और आपको बता दें ये अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर गर्मी के मौसम में लगातार जो बिजली की समस्या है वो बढ़ती जा रही है और बरनाला में स्थानीय लोगों ने इसी के मद्देनजर बिजली घर में तोड़ फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि कई घंटों तक बिजली न आने से लोग गुस्से में थे। उत्तर भारत में इन दिनों तापमान बेहद ज्यादा है और ऐसे में लगातार कई कई घंटों तक बिजली कटने से लोगों का सब्र का बांध भी टूट रहा है, जिसके बाद लोगों ने बिजली घर में तोड़ फोड़ की, जिसकी तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेकर गुरप्रीत हमारे साथ जुड़े हैं। गुरप्रीत, बरनाला से ये घटना सामने आई है, क्या कुछ हुआ था, कितनी बड़ी है समस्या यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले 6 दिनों में बिजली की बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और उसी समय हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कल एक एमरजेंसी मीटिंग ली है, जो बिजली विभाग के कर्मचारी है उनकी मीटिंग ली है, जिसमें डिस्कस किया है। और पंजाब में ये एक रूल लेके आए हैं कि सुबह 8 से लेके दोपहर के 2 बजे तक सरकारी जो दफ्तर है वो काम करेंगे, ताकि बिजली सेव की जाए। और वहाँ जो हैवी इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, उस पर भी 2 दिन के लिए शटडाउन का किया गया है, ताकि लोगों को, क्योंकि आम लोग अब रोड पे आ गए, आम लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको बिजली नहीं मिली, बच्चे भी सो नहीं रहे, और सारी जो समस्या वहाँ आ रही है वो पिछले 6 दिन से लगातार आ रही है। तो ये तो बरनाले की जो पिक्चर्स है, जो हम देख सकते हैं वीडियोज है, जिसमें लोग ग्रिड में बढ़ के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये अकेला बरनाले में नहीं, पंजाब में अलग अलग जगहों पे नेशनल हाईवे जाम किए गए, जब लोगों ने बार बार जो बिजली विभाग के कर्मचारी थी उनको रिक्वेस्ट की कि हमारी बिजली की पूर्ति करो, तो उसके बाद। और इस बात को लेके आज अकाली दल इसको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बनाने जा रहा है, और हम इस समय वहां पे खड़े हैं, जो कि प्रोटेस्टर इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, और ये एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये कहती थी कि हम बिजली सरप्लस है, हमारे पास लोड से ज्यादा बिजली है, तो वो कहते कि क्यों नहीं दे पा रही सरकार, और कहाँ जाए आम आदमी, और स्पेशली जो इस समय पे, क्योंकि पैडी ट्रांसप्लांटेशन, पैडिंग सोइंग का सीजन है, तो किसानों के लिए भी बहुत बड़ी एक दिक्कत बनी है। और पंजाब सरकार तो ऑलरेडी कई समस्याओं को झेल ली है, तो ये एक नई समस्या है, जबकि चीफ मिनिस्टर ने कल सारे पावर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल को बुला के बुलाया, और कुछ लोग जो पावर डिपार्टमेंट के थे वो स्ट्राइक पे थे, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि वापस आके ज्वाइन किया जाए, ताकि जो लोगों की डिमांड है एटलीस्ट वो पूरी की जाए। और जो ये आज नई रणनीति तैयार की है चीफ मिनिस्टर ने, कहा है कि हैवी इंडस्ट्री ना चलाओ, ऑफिस 8 से 2 बजे तक चलाओ, ताकि कुछ सेव करके लोगों की डिमांड पूरी की। अब देखना है कि क्या सरकार इस चीज की पूर्ति कर सकती है कि नहीं। बिल्कुल जी गुरप्रीत, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।